नमस्कार, ग्रैंड न्यूज की बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजना। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बैंक से 3 लाख रुपए निकाल कर ले जा रहे युवक के साथ हुई उठाई गिरी, पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। भिलाई के सुप्रसिद्ध मूर्तिकार जेएम नेल्सन द्वारा बनाई गई छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजोत्सव में करेंगे अनावरण। गोपाष्टमी के अवसर पर भिलाई के गौ संरक्षण ट्रस्ट के द्वारा गौ माता की सेवा कर गोपाष्टमी का किया गया आयोजन। 1 नवंबर से छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में धान खरीदी की हुई शुरुआत, धान बेचने आए किसानों को फूल मालाओं से किया गया स्वागत। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। दुर्ग के SBI ब्रांच के बाहर दिन दहाड़े उठाई गिरी की घटना सामने आई है। दरअसल एक युवक बैंक से 3 लाख रुपए निकालकर गाड़ी की डिग्गी में पैसों को रखा, तभी दो युवक गाड़ी की डिग्गी से 3 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। दरअसल मामला दोपहर का है। किस तरह से उठाई गिरोह ने युवक को लूट का शिकार बनाया है आप भी देख सकते हैं। इस वीडियो में सीसीटीवी कैमरे में दिख रहा है कि एक युवक पहले SBI ब्रांच पैसे लेकर निकलता है और अपनी डिक्की में पैसे रख रहा है। इसके कुछ सेकंड बाद दो युवक कुछ पैसे जमीन में फेंक देते हैं और पैसे निकालने वाले युवक को बताते हैं कि उसका पैसा नीचे गिर गया है। युवक तत्काल अपने पैसे उठाने के लिए गाड़ी की डिक्की में रखे पैसे को छोड़कर चले जाता है और अपने पैसे उठाने लगता है। इस बीच दूसरा युवक आकर उसकी गाड़ी की डिक्की में रखे लगभग 3 लाख रुपए को लेकर घटना पूरी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। युवक को जब इस बात का पता चला तो उसने तत्काल मोहन नगर थाने में संपर्क किया, नाकेबंदी की गई। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है। मोहम्मद नफी जो कि दुर्ग गंजपाड़ा का रहने वाला है, वो SBI बैंक मोहन नगर में गया था। वहाँ पर दिन के 1:30 बजे जब वो 2.5 लाख रुपए चेक से निकाल कर बाहर निकला बैंक से, अपनी बाइक की डिक्की में डाला, तो दो लोगों ने आके उसको बताया कि उसके कुछ पैसे रास्ते में गिर गए हैं बैंक से निकलते समय। तो उसने पैसे को डिक्की में डाल के वो उन गिरे हुए पैसों को जब निकाल उठाने गया तो इन संदिग्ध लोगों ने उसके बाइक की डिक्की से पैसा निकाल के रफू चक्कर हो गए। CCTV फुटेज देखने पर 4 लोगों की इसमें संदिग्ध की बात सामने आई। इसमें एक आदमी की पहचान तेलंगाना निवासी के रूप में हुई है, जो रायपुर में भी पिछले साल इसी मॉडस ऑपरेंडाई के साथ एक दिन में 3 मामले में गिरफ्तार किया गया था। वो भी जेल से छूटने के बाद हो सकता है संभवतः उसके द्वारा दोबारा घटना की गई है। जनता से भी मैं आग्रह करता हूँ कि कभी भी संदिग्ध लोगों की बात में आके अपना बहुमूल्य चीज़ों को एक जगह छोड़ के दूसरी जगह उठाने के लिए ना जाए, इससे आपके सामान की चोरी हो सकती है। यदि हम सावधान रहेंगे तो इस तरह की घटनाओं से बचा जा सकता है। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा आज छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति अनावरण रायपुर के कलेक्ट्रेट कार्यालय में किया जाएगा। छत्तीसगढ़ महतारी की इस सुंदर मूर्ति को भिलाई के प्रसिद्ध मूर्तिकार जेएम नेल्सन के द्वारा बनाई गई है। भिलाई के प्रसिद्ध मूर्तिकार जेएम नेल्सन ने बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का उद्देश्य है कि हर जिले में छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति लगना चाहिए, जिससे युवा पीढ़ी के लोग छत्तीसगढ़ के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सके। मूर्ति करीब 11 फीट की है और 1500 किलो कांसे की मूर्ति बनाई गई है। वहीं छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति को बहुत ही जल्दी बनाया गया है। मूर्ति बनाने के लिए खास मशक्कत करना पड़ा है, क्योंकि कम समय में बनाने में मेन पावर भी ज़्यादा लगता है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति बनाकर काफ़ी खुशी महसूस कर रहा हूँ। उद्देश्य तो यही है कि छत्तीसगढ़ राज्य बना है और छत्तीसगढ़ महतारी को छत्तीसगढ़ के लोग तो मानते ही हैं, शुरू से मानते आ रहे हैं। तो हमारे CM साहब ने सोचा कि भाई छत्तीसगढ़ की महतारी की मूर्ति लगना चाहिए पूरे जिलों में। तो ये उनका वो ध्येय था कि ताकि छत्तीसगढ़ी लोग ज़्यादा से ज़्यादा छत्तीसगढ़ी पे ध्यान दे, क्योंकि आगे लोग तो सब मॉडर्न होते जा रहे हैं ना। तो इस वजह से मूर्ति जो है तो मुझे दी गई कि आप इसको बनाइए करके। तो मूर्ति करीब 11-11.5 फीट की है, 1500 किलो वज़न है और पूरी मूर्ति कांस की प्रतिमा है वो। और बहुत जल्दी में बनाई गई है, क्योंकि बहुत जल्दी ऑर्डर मिला था उसका। वो ऑर्डर भी बराबर समझो मिला नहीं मिला ऐसा ही है, सब क्योंकि सब पहचान के कारण उसको फिर हमने बनाया और उसको हमने 28 तारीख 29 तारीख को लगा दी उनको जाके वहाँ पे। मेहनत लगा बनाने में जब जितना जो चीज़ 2 महीने में बनना, अगर 1 महीने में बने
तो आप खुद ही सोच सकते हैं, स्वयं सोच सकते हैं कि वो कैसे कैसे तरीके से बनी होगी। हाँ, कितना उसमें क्या होता है कि मेन पावर भी ज़्यादा लगता है, सामान भी ज़्यादा लगता है, लोग भी ज़्यादा लगते हैं उसमें। तो इस तरह से क्या है कि बड़ी परेशानी हो जाती है। अच्छा, चूंकि क्या है, मिट्टी का काम रहे, सीमेंट का काम रहे, तो बात अलग है। वो क्या, वो तो ईजिली होते रहता है वो। लेकिन ये मेटल जो है कि मेटल ऐसा है कि जब तक उसका अपना समय नहीं लेगा तब तक वो ढल के नहीं होगा, ऐसा रहता है उसका। तो बहुत रिस्क रहता है। जिस दिन अगर एक हाथ भट्टी भी आपकी नहीं चली, एक हाथ भट्टी भी आपकी बिगड़ गई, तो समझो फिर आप पीछे वो रिटर्न हो गए। क्योंकि जब तक वो दूसरी वो डाक नहीं बनेगी तब तक वो आपको ठहरना ही पड़ेगा। वो ऐसा है, तो बड़ा रिस्की काम रहता है वो। खैर, अभी अपने को तो बनाते सालों हो गए हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता सब कामों से, है ना, रूटीन के हिसाब से काम हो जाता है अपना। लेकिन ये क्या मूर्ति लगी, बहुत अच्छी बनी है। साहब लोग भी देख के गए थे यहाँ से, बोले बहुत सुंदर बनी है मूर्ति और उसको बहुत अच्छी जगह लगाया जा रहा है। ये हमारे लिए बड़ी सबसे खुशी की बात है। क्या प्योर छत्तीसगढ़ी दिख रही है, वो छत्तीसगढ़ की देवी दिख रही है ना। जो ऑर्नामेंट्स वगैरह पहनते हैं, जो गले का माला पहनते हैं, जो गर्दन पहनते हैं, जो उसको पाए पहनते हैं, बाजूबंद पहनते हैं, पैर में जो पट्टी जो पहनते हैं, इस टाइप का पूरी चीज़ ऐसी है। लोकेशन जो है वो पूरा पूरा छत्तीसगढ़ को दर्शा रहा है, वो छत्तीसगढ़ को दर्शा रहा है उस मूर्ति में। ये एक खासियत है। छत्तीसगढ़ की मूर्ति को ढालने में कितना समय लगा है? समय बता ना, बहुत जल्दी बनाए, हम तो महीने भर में बनाए ना उसको, जबकि कम से कम वो 2-2.5 महीने लगता है ये मूर्ति ढालने में। 11 फीट की मूर्ति है वो ना। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। गोपाष्टमी के अवसर पर आज भिलाई के श्री हरि ओम बाबा गौ रक्षण ट्रस्ट के द्वारा लगातार 4 वर्षों से गोपाष्टमी का आयोजन कर गौ माता की सेवा की जाती है। गौशाला से जुड़े गौ सेवक गौ भक्तों की उपस्थिति में गोपाष्टमी का आयोजन किया गया। गौशाला में सदस्यों द्वारा जाकर गौ माता की सेवा की गई एवं इस अवसर पर गौ माता को गुड़, चारा, सब्जी, रोटी तथा अन्य सामग्रियां खिलाई गई। इस आयोजन के माध्यम से नई पीढ़ी देख सके कि गौशाला में गौ माता की सेवा कैसे होती है, गौ पालन कितने अच्छे तरीके से किया जा सकता है, जहां गौ माता के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए हमेशा काम किया गया है। दूध देने वाले गाय की जैसे सेवा की जाती है, वैसे ही सेवा दूध देना बंद कर चुके उम्रदराज गायों की भी की जाती है। गौ माता का दूध हमें सात्विकता की ओर ले जाता है। श्री हरिओम बाबा गौ रक्षण ट्रस्ट गौ सेवा के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए एक आदर्श है। उन्होंने कहा कि गौशाला बनाने का मुख्य उद्देश्य है कि लोग गौ माता से जुड़े और उनकी सेवा करें। भारत वंश के अंदर में गौ वंश से लोग बाग जुड़े, समाज जुड़े, महिलाएं, बच्चे, प्यारे हिंदू जितने भी भाई बहन हैं हमारे, वो इसमें जुड़े। ये एक हमारा गौष्टमी का एक संदेश है। और जो 4 साल से यहाँ के सभी ट्रस्टियों के सहयोग से जो गौशाला चल रही है वो लगातार आगे बढ़ती रहे, ये हमारा ईश्वर से कन्हैया से प्रार्थना। देखिए, गोपाष्टमी का त्यौहार दीपावली के बाद आता है और इस हरिओम बाबा गौरक्षण ट्रस्ट को बने मात्र 4 वर्ष हुए हैं, लेकिन इसका जो स्वरूप इन 4 वर्षों में, जो भी कोई यहाँ आता है, आप लोग भी आज आए हैं, आप सब ने देखा होगा, जो स्वरूप बना है वो निश्चित रूप से काबिले तारीफ है। और मुझे खुशी है कि मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ जिन्होंने इस ट्रस्ट को बनाकर और गौ सेवा करने का जो प्रण लिया है, उसमें छोटी सी सहभागिता हमारी भी रहती है। और पिछले 4 वर्षों से गोपाष्टमी के दिन ये ऐसा सुंदर आयोजन यहाँ पर होता है। हर वर्ष करीब 500-100 लोग यहाँ आते हैं और प्रसाद लेकर जाते हैं। और देखिए, बहुतों के पास समय होता है, बहुतों के पास पैसा होता है, और बहुतों के पास दोनों नहीं होता, लेकिन मन का भाव होता है। यहाँ आप भी जितनी देर से आए होंगे, आप सब देख रहे होंगे कि लोगों ने मुक्त हस्त से यहाँ पर दान किया है। ये दान किया है तो ठीक है, मतलब ये एक हमारी भारतीय संस्कृति भी है, परंपरा भी है, और गौ माता की सेवा करना तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है ही। तो उसमें सबने सहयोग किया अपने अपने इच्छा के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार। तो मैं तो आपके इस चैनल के माध्यम से भी सबसे ये आह्वान करना चाहूँगी कि हो सकता है आपके पास समय कम हो, हो सकता है आपके पास भाव की भी कमी हो सकता है आपके पास धन बहुत हो, तो जिसके पास जो है समय, धन या भाव, वो मुक्त कंठ से, मुक्त हस्त से उसका दान करे और गौ रक्षण में अपनी भागीदारी निभाए। ये एक ट्रस्ट मात्र ऐसा नहीं है कि जहां आपको सहायता करनी है, जहां मदद करनी है। आज की विषम परिस्थितियों में जहां गौ माताओं के बारे में हम आए दिन पेपर्स में पढ़ते हैं, टीवी पर देखते हैं, उस समय ऐसे समय में जो बहुत सारी हमारी गौशालाएँ खुली हुई हैं और हमारे बहुत सारे बंधु, हमारी भगनियाँ बहुत सारी काम कर रही हैं, उन सबको साधुवाद देते हुए मैं यही कहना चाहती हूँ, जो जहाँ है, जिसके निकट जो गौशाला है,
जहाँ भी गौ माता है आप उनकी सेवा करें, उनके लिए दान करें, और अगर यदि दोनों आपके पास ना हो, सिर्फ भाव है, तो भाव से और लोगों को प्रेरित करें कि वो भी इस सेवा क्षेत्र में आए। बहुत बहुत धन्यवाद। हम इस गौशाला में आज चतुर्थ वर्ष है गोपाष्टमी मनाते हुए, सुभाष गोयल की तरफ से और अपने पिता स्वर्गीय श्री चंपालाल जी, 300 गौवंश है जिसकी सेवा तक 11,000 कर रहे हैं, सबके सहयोग से घोषणा की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस गौशाला का निर्माण लगभग 4 साल से चल रहा है और अभी भविष्य में भी और भी बहुत सारे कार्य इसमें बाकी हैं जो सबके सहयोग से हम पूरा करेंगे। मैं गोपाष्टमी पे सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इस गौशाला का बनाने का मुख्य उद्देश्य है कि लोग इसी बहाने इससे जुड़ें और गौ माता की सेवा करके उसका लाभ प्राप्त करें जीवन में। मेन उद्देश्य। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। धान खरीदी के पहले दिन सांसदीय सचिव गुरु दयाल सिंह बंजारे ने धान खरीदी केंद्र का दौरा कर किसानों को धान तौलकर धान खरीदी की शुरुआत की। वहीं धान बेचने आए किसानों को माला पहनाकर सम्मानित किया गया। प्रदेश के संसदीय सचिव व नवागढ़ विधायक गुरु दयाल सिंह बंजारे ने धान खरीदी केंद्र के पहले दिन ही धान खरीदी केंद्र नवागढ़ का निरीक्षण किया, जहाँ किसान के धान तौलकर खरीदी की शुरुआत की। साथ ही साथ खरीदी करने वाले पहले किसानों को फूल माला पहनाकर सम्मानित किया गया। वही अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया गया है कि किसानों को धान बेचने और खरीदी केंद्र आने में किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। आपको बता दें कि प्रदेश भर में आज से धान खरीदी की शुरुआत की गई है, जिसमें बेमेतरा में इस बार 102 सेवा सहकारी समिति के 123 धान खरीदी केंद्रों के माध्यम से 70,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी किए जाने का लक्ष्य है, जिसमें जिले के 1,54,000 से ज्यादा किसानों के 1,74,000 हेक्टेयर से ज्यादा रकबा में धान को लेकर पंजीकृत कराया है। देखिए, धान खरीदी की व्यवस्था जिला प्रशासन द्वारा पूरा कर लिया गया है और किसानों को आज पहला दिन है, 1 नवंबर है और धान खरीदी हो रहा है। इसके लिए मैं किसानों को बहुत बहुत बधाई दे रहा हूं और सबको विश्वास दिलाता हूं कि हम समय के रहते और समय से पहले धान खरीदी कर लेंगे, किसी को असुविधा नहीं होगी, पूरी तैयारी कर लीजिए। आपने किसान का तौल से पहले माला पहना का सम्मान किया था, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, छत्तीसगढ़ में किसान को देव तुल्य कहा जाता है और देवता का स्थान दिया जाता है, क्योंकि वह धान उगाते हैं, फसल उगाते हैं, उसी के बदौलत आज दुनिया टिकी हुई है, तो सम्मान करना जरूरी है। सर, आप कौन से धर्म समिति आए और किस तरह से शुरुआत किए हैं? नवागढ़ सोसाइटी में आज हम शुरुआत किए हैं और यहाँ आज किसान भाई अपने धान बेचने के लिए उपस्थित। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के मौके पर एसआर हॉस्पिटल चिखली के द्वारा 1 नवंबर से 15 नवंबर तक निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है। हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने छत्तीसगढ़ वासियों से अपील की है कि स्वास्थ्य शिविर का लाभ अवश्य लिए। 1 नवंबर छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर जहाँ विभिन्न तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, वहीं एसआर हॉस्पिटल चिखली के द्वारा सामाजिक क्षेत्र में कार्य करते हुए निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें छत्तीसगढ़ वासियों के लिए विभिन्न तरह की सुविधाएं हॉस्पिटल के द्वारा प्रदान की जा रही है, जिसमें किसी भी तरह की जांच कम पैसों में की जाएंगी, नॉर्मल डिलीवरी 2,000 और सिजेरियन डिलीवरी 5,000 में की जा रही है। इसके साथ ही विभिन्न तरह के जांच में भी छूट दी गई है। 1 नवंबर से 15 नवंबर तक लगने वाले शिविर को लेकर हॉस्पिटल के डॉक्टर ने छत्तीसगढ़ वासियों से अपील की है कि वे स्वास्थ्य शिविर में पहुंचे और उसका लाभ अवश्य ले। नमस्कार, मैं संजय तिवारी, चेयरमैन एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली दुर्ग। मेरी ओर से, एसआर परिवार की ओर से समस्त छत्तीसगढ़ प्रदेशवासियों को, देशवासियों को छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस की ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। छत्तीसगढ़ राज्य जो है वह धान का कटोरा कहलाता है। छत्तीसगढ़ राज्य में जो खनिज संपदाएँ हैं भरपूर मात्रा में पाई जाती हैं। यह जो राज्य है यह दिन प्रतिदिन उन्नति कर रहा है और स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर एसआर परिवार की ओर से एक 15 दिनों के लिए निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। यह शिविर ऐतिहासिक शिविर है। यह शिविर में जो सोनोग्राफी है केवल 99 रुपये में की जा रही है, जो एक्सरे है वह 49 रुपये में किया जा रहा है और खून पेशाब की जाँच में भारी छूट प्रदान की जा रही है मरीजों को। साथ में नॉर्मल डिलीवरी केवल 2,000 रुपये में की जा रही है, सीजीरियन डिलीवरी केवल 5,000 रुपये में की जा रही है, हाइड्रोसील का जो ऑपरेशन है केवल 2,000 रुपये में किया जा रहा है, मोतियाबिंद का ऑपरेशन केवल 2,000 रुपये में किया जा रहा है,
बाकी हितग्राहियों को दवाइयां और जांच अलग से लेनी है। यह जो छत्तीसगढ़ प्रदेशवासियों का एसआर हॉस्पिटल की तरफ से जो सौगात स्थापना दिवस के अवसर पर दी जा रही है, इसके लिए 24 घंटे पूर्व रजिस्ट्रेशन कराना अति आवश्यक है। कोई भी ऑपरेशन 24 घंटे बाद किया जाएगा। मेरी ओर से पुनः प्रदेशवासियों को, देशवासियों को छत्तीसगढ़ राज्य के स्थापना दिवस के गाढ़ा गाढ़ा बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर एस पी के सरवानी, शिशु रोग विशेषज्ञ, एस आर हॉस्पिटल चिखली दुर्ग। आज 1 नवंबर है और इस अवसर प्रदेश की स्थापना दिवस है। इस अवसर पर मैं प्रदेश की जनता को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ, शुभकामनाएँ देता हूँ और ऐसी उम्मीद करता हूँ कि हमारे प्रदेश की जनता बहुत खुशहाल रहेंगे, बहुत तरक्की करेंगे और अपनी ऊंचाइयों बुलंदियों को छुएंगे और ऐसी उम्मीद करता हूँ कि हमारा प्रदेश जो है देश में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करेगा। इस अवसर पर मैं यह चीज़ बताना चाहूँगा कि हमारे एसआर हॉस्पिटल में क्षेत्रवासियों के लिए 1 नवंबर से लेकर 15 नवंबर तक निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर परीक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बहुत ही निम्न दर पर हम अनेक सुविधाएं अपने क्षेत्रवासियों को देना चाहते हैं ताकि वो स्वास्थ्य लाभ ले सकें। इसमें 99 रुपये में सोनोग्राफी, 149 रुपये में कलर ड्रापलर, 149 रुपये में एक्सरे जांच, ब्लड टेस्ट में 30% की छूट, दवाइयों में 10% की छूट, 2000 में नॉर्मल डिलीवरी, इस प्रकार की और अन्य सुविधाएं हम प्रदान कर रहे हैं। तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि क्षेत्र की जनता स्वास्थ्य लाभ लेंगे। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय भारत, धन्यवाद। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा के साथ वीना दुबे की रिपोर्ट। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, खबरें और भी है, बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility.
today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury-packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items, Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets, a breathtakingly decorated welcome gate, and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire, and exclusive DJ beats for extreme fun, and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. के बाद आपका स्वागत है। आदिवासी आरक्षण में 12% कटौती के मामले को लेकर सर्व आदिवासी समाज के द्वारा आज राजनांदगांव कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य उत्सव और राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का बहिष्कार किया गया। इस मौके पर काली पट्टी बांधकर आदिवासियों ने अपना विरोध जताया। आदिवासी समाज के आरक्षण में कटौती के मामले को लेकर सर्व आदिवासी समाज ने आज राजनांदगांव शहर के कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन करते हुए आरक्षण में कटौती को लेकर प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। इस दौरान आदिवासियों ने काली पट्टी बांधकर छत्तीसगढ़ राज्योत्सव और राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का बहिष्कार किया। देखो, आज हम आदिवासी सर्व आदिवासी समाज के लोग 1 तारीख जो है छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस, उस दिवस को आज हम काले दिन के रूप में मनाने जा रहे हैं। इसके ऊपर ये है कि वर्तमान की जो भूपेश सरकार, जो हमारा आरक्षण है, जल जंगल जमीन है, हमारे जो पेशा अधिनियम है, सभी को ख़त्म कर दिया उसने। और ये हाईकोर्ट का हवाला दे रहा है कि हाईकोर्ट ने ये किया है करके, तो हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने तो एटस मेटला या जो फर्जी एनकाउंटर था उसको भी ये कोर्ट किया था, तो उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं किया? और तुरंत आदिवासियों के हक अधिकार की बात आई तो तुरंत एक्शन में आ गया और आरक्षण ख़त्म कर दिया, भर्तियों में रोक कर लगा दिया इसने। तो हम इसीलिए हम चरणबद्ध पूरे प्रदेश का इकाई का संगठन का सभी का यह है कि सभी जिलों में एक साथ में नृत्य महोत्सव जो चलाया जा रहा है, आदिवासियों के एक तरफ नचाया जा रहा है, आदिवासियों को ही खत्म किया जा रहा है, उनके हक अधिकारों को। इसलिए हम आज उन काला दिवस मना रहे हैं, वो काले झंडे लेके जा रहे हैं, बायकॉट कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और यदि प्रदेश सरकार अभी भी हमारी मांगों को पूरा नहीं करती तो चरणबद्ध तरीके से चिचोला में 15 तारीख से अस्थायी चक्का जाम किया जाएगा। सर्व आदिवासी समाज के द्वारा 32% आदिवासी आरक्षण को यथावत रखने की मांग को लेकर किए गए इस धरना प्रदर्शन में चरणबद्ध आंदोलन किए जाने की रूपरेखा भी तैयार की गई, जिसके तहत आगामी 15 नवंबर को प्रदेश में आर्थिक नाकेबंदी करते हुए छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा के समीप चिचोला नेशनल हाईवे में चक्का जाम किए जाने का ऐलान किया गया। वहीं आदिवासी समाज ने मांग की है कि आदिवासियों का 32% आरक्षण यथावत किया जाए, अन्यथा 32% आरक्षण यथावत नहीं किए जाने तक उनका आंदोलन लगातार जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। आज 1 नवंबर से छत्तीसगढ़ प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदेश भर में धान खरीदी शुरू करने का आदेश सीएम भूपेश बघेल के द्वारा दिया गया था, जिसके बाद प्रदेश के सभी सेवा सहकारी समितियों के द्वारा आज धान खरीदी की शुरुआत की गई।
धान खरीदी को लेकर जहां किसानों में उत्साह देखने को मिला, तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश के दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दल कांग्रेस और भाजपा के बीच जमकर सियासत भी देखने को मिल रही है। आज 1 नवंबर से छत्तीसगढ़ प्रदेश में प्रत्येक सेवा सहकारी समिति द्वारा किसानों के उपज धान की खरीदी शुरू कर दी गई है। इस वर्ष धान खरीदी के लिए किसानों को प्रदेश सरकार द्वारा एक विशेष ऐप उपलब्ध कराया गया है, जिससे कि वह ऑनलाइन टोकन प्राप्त कर अपने सेवा सहकारी समिति में धान बेच पाएंगे। वहीं राजनांदगांव जिले के सेवा सहकारी समितियों के प्रबंधक इन दिनों लगातार अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर चल रहे हैं, जिससे कहीं न कहीं विपक्ष हमलावर है। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रत्येक सेवा सहकारी समिति में पहुंचकर प्रदेश संगठन के दिशा निर्देश अनुसार धान खरीदी को उत्सव के रूप में मना रहे हैं। वहीं आज से शुरू हुई धान खरीदी को लेकर प्रदेश के दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दलों के बीच भी राजनीति देखने को मिल रही है, जहां अन्नदाता किसान और धान खरीदी को लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल खुद को किसान हितैषी बताने की कोशिश कर रहे हैं। एक ही बता दे रहा हूं आपको, जो विपक्ष है वो अभी और 10 साल विपक्ष में रहने वाला है, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ा अपराध किया है जिसको हम अन्नदाता कहते हैं। अन्नदाताओं का इन्होंने 5 साल तक झूठ बोल करके, छल करके अपमान किया है। इन विपक्ष के हमारे साथियों से पूछिए कि इन्होंने 2013 में कहा था 2100 में धान लेंगे, 300 बोनस देंगे, क्या एक साल भी 2100 में धान की खरीदी की? क्या एक साल भी पूरे 5 साल उन्होंने 300 बोनस दिया? नहीं दिया। आज माननीय भूपेश बघेल जी ने 2500 का वादा किया था, पिछले 3 साल तक 2500 में धान की खरीदी हो चुकी है और इस साल से अन्नदाता किसान भाइयों की धान की खरीदी 2640 और 2660 रुपये में हम करने जा रहे हैं। ये आदरणीय मुख्यमंत्री जी की एक किसान हितैषी सोच का नतीजा है। अब ये सिर्फ कमियां ढूंढने में लगे हुए हैं, है ना। अभी देखिए पूरी फसल लगभग खड़ी है, 5 से 10% फसल ही कट पाई होगी, ये आप सबसे छुपा नहीं है, क्योंकि फसल कोई ढांकने की चीज़ तो है नहीं। आप किसी भी गांव में निकल जाइए, सभी खेतों में फसलें खड़ी हुई हैं, पूरी तैयारी है। कहीं कुछ 19-20 तैयारियों में कमी होगी, वो आज कल में पूरी भी हो जाएगी। और आज जितने टोकन कटे हैं, देखिए अब तो ऑनलाइन भी टोकन कट रहा है, तो किसी को रोका तो जा नहीं सकता। ऑनलाइन टोकन, जिस किसान के धान रेडी होंगे वो किसान ऑनलाइन भी टोकन काट सकते हैं, ऑफलाइन भी टोकन काट सकते हैं, और पर्याप्त समय है और पर्याप्त सोसाइटियां हैं। हमने इस साल माननीय भूपेश बघेल जी ने राजनांदगांव जिले में 43 नई सोसाइटी का निर्माण किया है। पिछले 15 सालों में नांदगांव जिले में एक भी धान खरीदी केंद्र या सोसाइटी का निर्माण नहीं हुआ था। तो विपक्ष के भाइयों की चिंता नहीं है हमको, हमको चिंता अपने अन्नदाता किसानों की है। और माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में किसानों की जितनी सेवा अभी हो रही है, ना इससे पहले कभी हुई थी और इसके आगे भी कभी, मुझे ऐसा नहीं लगता, जब तक भूपेश बघेल जी हैं ये मान करके चलिए कि अन्नदाता किसानों की जितनी सेवा, उनका जितना काम, उनका जितना उचित दाम दिया जाएगा, इसके लिए माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार, माननीय भूपेश बघेल जी को मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और विपक्ष के भाइयों के लिए एक ही निवेदन है कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे और किसान हित में वो भी आगे आ करके माननीय भूपेश बघेल जी के हाथ को मजबूत करें। देखिए मैं बहुत पहले से बोला चाहता हूँ कि सरकार के पूरा योजना कागज़ और फ्लेक्स में, धरातल में आप जाके देखो कोई योजना धरातल में नहीं है। उसी प्रकार आज जो 1 नवंबर से धान खरीदी करना है करके पेपर और फ्लेक्स में लगातार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के लगातार बयान आ थे, ठीक है 1 नवंबर से धान खरीदी होना चाहिए, किसान ला बिल्कुल लाभ मिलना चाहिए, परंतु आप आके धरातल में देखो ना, आज रामाटोला में एक झन किसान ला धर बांध के ला के एक ठन टोकन ला काटे है, लाल बहादुर नगर में एक किसान के टोकन कटे है, बेलगांव में 2 किसान के टोकन कटे है, मोहारा में मात्र 1 किसान के टोकन कटे है, 10 कट्टा 20 कट्टा लेके बोनी करत है, ये सिर्फ दिखावा करत है। और आज जाके देखो सोसाइटी में प्रबंधक मन हड़ताल है, पूरा अमला हड़ताल में, एकमात्र एक कंप्यूटर ऑपरेटर, अकेला कंप्यूटर ऑपरेटर है, कंप्यूटर में चढ़ाई कि धान ला तौली का करी, कोई ठिकाना नहीं है। आज ना वहाँ फड़ के व्यवस्था है, ना सुरक्षा घेरा की व्यवस्था है, ना किसान मन पर पानी की व्यवस्था है, ना प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यही आग्रह करूँ कि आप अगर धान खरीदी करे के प्रयास करत हो 1 नवंबर से, बहुत अच्छा सराहनीय प्रयास है, परंतु ला व्यवस्थित करके प्रयास करो। और सोसाइटी के जो प्रबंधक मन है, जो पिछले साल से लगातार एक मांग के लिए हड़ताल करे थे और आज 1 नवंबर धान खरीदी आ गए और आप अभी तक क्यों करमन की मांग ला पूरा नहीं करे हो, तो आप जल्द से जल्द इकरमन की मांग ला पूरा करो और सुव्यवस्थित ढंग से
सोसाइटी में धान खरीदी करो, तभी धान खरीदी करना एक अच्छा योजना साबित हुई। नहीं तो पूरा गोबर योजना जिसे ये धरातल और फ्लेक्स में फ्लेक्स और कागज़ में दिखी। बस यही आग्रह करते हुए पुनः मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि सोसाइटी के प्रबंधक मन के हड़ताल ला जल्द से जल्द समाप्त करके किसान मन ला अच्छा सुविधा प्रदान करें। धान खरीदी के लिए साफ सफाई करा गए हैं, यहाँ पे दो टोकन का ऑनलाइन खुद से कटा है टोकन, तुम्हारे हाथ ऐप से दो लोगों का आज टोकन कटा है, जो करवारी के किसान है 78-80 उनका कुंटल में कटा है 197 बोरा। आगे भी टोकन तुम्हारे हाथ से सरकार द्वारा जारी किया गया ऐप उसी से टोकन काटा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। दुर्ग में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर संभागीय स्तरीय 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन पर बैठी। अपनी मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं का कहना है कि प्रदेश के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने कोविड के समय अपनी जान को जोखिम में डालकर कार्य किया है। मुख्यमंत्री के आह्वान पर शारीरिक श्रम के साथ लगभग 1 करोड़ की राशि अपने अपने मानदेय में से सहयोग राशि मुख्यमंत्री कोष में जमा भी कराया गया है, लेकिन जब हम अपनी मांगों को लेकर प्रयासरत हैं तो कोई सुनवाई नहीं होती। आपको बता दें कि इससे पूर्व संघ के द्वारा विगत 22 सितंबर 2021 से ध्यान आकर्षण के लिए धरना व रैली प्रदर्शन किया गया था। 10 सितंबर 2021 से 16 सितंबर 2021 तक रायपुर राजधानी मुख्यालय में 7 दिवसीय धरना प्रदर्शन रैली की गई थी। 15 सितंबर को संघ प्रतिनिधि मंडल को आश्वासन भी मिला था, लेकिन वह भी 8 महीने बीत चुके हैं लेकिन अभी तक मांगे पूरी नहीं हो पाई है, जिसके कारण आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं में आक्रोश के साथ साथ ही हतोत्साहित भी है, जिसका असर विभागीय कार्य में भी पड़ना स्वाभाविक है। हमारी 6 सूत्री मांगे हैं जिस पर सरकार ध्यान दे नहीं रहा है और हम लोग संभागीय स्तर पर दुर्ग जिले में हड़ताल पर बैठे हुए हैं। हम चाहते हैं कि सरकार भी हमारे कुछ मांगे हैं उसको पूरा, जो उनको अच्छा लगता है वो मांगे हमारी पूरी करे, जो जरूरत का है, जैसे कि शिक्षा कर्मियों का पदोन्नति कर देते हैं, जो शिक्षा कर्मी थे उसको डायरेक्ट शिक्षक में ले लिए, और हम लोग इतने साल से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के अनुभव में है तो उस अनुभव के बेस में भी हम लोगों का पदोन्नति किया जाए और क्या बोलते हैं परीक्षा का जो प्रावधान है उसको हटा दिया जाए। हम लोग की 6 प्रमुख मांगे हैं। आगे हम लोग तो पूरे क्या बोलते हैं विचार कर रहे हैं कि अब पूरे सभी आंगनबाड़ी में ताला जड़ देंगे, जब तक मांग पूरा नहीं होगा तब तक पूरा प्रदेश स्तर पर। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से नवीन दिल्लीवार की रिपोर्ट। धान खरीदी के पहले ही दिन सोसाइटियों में जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारियों का दौरा दिन भर चलता रहा। इसी कड़ी में मंगलवार को खाद्य अधिकारी दीपांकर मिश्रा अंडा के सोसाइटी पहुंचे, उनके साथ अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। उन्होंने धान बेचने आए किसानों से चर्चा भी की। सोसाइटी में लोगों के द्वारा पूजा अर्चना कर धान खरीदी की शुरुआत की गई। इस अवसर पर किसानों के अलावा समिति प्रबंधक, समिति अध्यक्ष सहित अन्य लोग मौजूद रहे। सहकारी समिति में पहुंचे खाद्य अधिकारी दीपांकर मिश्रा ने धान खरीदी को लेकर विस्तृत जानकारियां दी। दीपांकर जी बताएं, आज आपने कितनी समितियों का निरीक्षण किया और क्या क्या पाया? अभी तक 2 समितियों का हमने निरीक्षण किया और दोनों समिति में धान खरीदी की जो है प्रारंभ हो चुकी है। अब तीसरी सोसाइटी में जो है तो रिसामा जो है तो मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। जिस तरह से सरकार के द्वारा जो मापदंड बनाए गए मॉइस्चर को मॉइस्चर नापने के, तौल को लेकर, संधारण को लेकर, बारदाने को लेकर क्या पाया आपने निरीक्षण? निरीक्षण में पाया कि हमारा जो नियम है, जो नीति है, उसके अनुसार जो है तो खरीदी चालू कर दी गई है। 50% पुराने बारदाने, 50% नए बारदाने में, और मॉइस्चर जो है तो अधिकतम 17% जो है तो मान्य किया गया है। अभी हमने जो है तो एक किसान का जो है मॉइस्चर अपने समक्ष जो है दिखवाया, जिसमें 14.8 जो है तो मॉइस्चर पाया गया। इस तरह से जो है तो 17% से नीचे की ही धान खरीदी समितियों द्वारा की जा रही है। किसानों के द्वारा जो धान समितियों पर लाया जा रहा है, क्या शुरुआत कैसी है, हल्की है या शुरुआत? चूंकि अभी जो है तो मैंने 20 अक्टूबर तक पानी गिरता रहा, इसलिए जो है तो अभी धान की कटाई नहीं हो पाई है, तो अभी शुरुआत जो है तो बहुत धीमी है। ग्रैंड न्यूज के लिए वीना दुबे की रिपोर्ट।